आज का दिन पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां हिंदी भाषा को वैश्विक रूप से प्रसारित करने के साथ ही विश्व में फैली तमाम हिंदी भाषियों को जोड़ना या इस दिन का महत्व है। जिसके मद्देनजर कल विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर संतरा नगरी नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र के नव गीतों का प्रस्तुतिकरण डॉक्टर बुद्धिनाथ को सुनो और गुनो कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या संतरा नगरी नागपुर के साहित्य प्रेमियों के लिए मानव गीतों और कविता की अनमोल सौगात लेकर आई, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रसिद्ध गीतकार और साहित्यकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र देहरादून के नौ गीतों पर नागपुर के श्रोता झूमते हुए नजर आए। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ नई दिल्ली और महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा पुणे विदर्भ प्रांत के तत्वावधान से मंगलवार की शाम आयोजित डॉक्टर बुद्धिनाथ को सुनो और गुनो कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी और हिंदी सेवी डॉक्टर गिरीश गांधी ने की। वही मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डॉक्टर भूषण कुमार उपाध्याय ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इस वक्त संस्था के अध्यक्ष अजय पाटिल ने स्वागत भाषण और प्रास्ताविक किया। समारोह का संचालन सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मनोज सलफेकर ने किया। स्थानीय कवि संतोष बादल, मुकेश कुमार सिंह तथा साक्षी देवते ने भी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, लेखक आदि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। समय शिला पर सूर्य रश्मि से लिखा तुम्हारा नाम, जग कहता धरती की धड़कन, हम कहते हैं राम। वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, वामन से विराट तक सबका जो है पालनहार, करुणा सागर आर्त जनों का दुखियों के आधार। मर्यादा की शिखर कल्पना पाती जहां भी राम। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।